हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यानी कि SRT फाइनेंस शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। आने वाले समय में हमें कौन सी डायरेक्शन की मोमेंटम यहाँ पर देखते हुए मिल सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है इधर अपसाइड या डाउनसाइड, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में चार्ट के ऊपर डिटेल में चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट को, यहाँ पर मैंने ओपन किया SRT फाइनेंस। यहाँ पर हम जो एनालिसिस करने वाले डेली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर इस ब्रेकडाउन के समय यहाँ पर मैंने एक वीडियो को पोस्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मंथ आएगो रिसेंटली काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिली थी। उसके बाद काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फॉल देखने को मिला था। जो हमारे दो टारगेट्स थे यहाँ पर डाउन साइड के वो अचीव हुए थे। यहाँ पर अब तक पोजिशनल यहाँ पर जो 1300 का पी जॉब रिव्यू दिया था उसका काफ़ी अच्छा यहाँ पर टारगेट देखने को मिला था। अभी यहाँ पर बताने का यही मकसद है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन हुआ करती थी इसी लेवल के आसपास यहाँ पर हम रिजेक्शन को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को हिट किया है। अभी रिसेंटली जो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है इसे यहाँ पर हमें फोकस करके चलना है। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही थी डाउन साइड से यहाँ पर हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पे हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे हमें रिवर्स देखने को मिला। कंटिन्यूसली यहाँ पर हम लास्ट 7 to 8 डेज से यहाँ पे इसी पैटर्न के अंदर कंसोलिडेशन कर रहे, जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न का काफ़ी अच्छा सा पीनट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिला था। जैसे आज की ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन पे यहाँ पे कंटिन्यूस हाई लेवल्स पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही थी और तब जाके आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लोजिंग और ब्रेकआउट देखने को मिला है हायर साइड का। जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए पॉइंट जो नोटिस करने वाला, जो डाउन साइड से जो सपोर्ट लाइन आ रही थी जो हम यहाँ पर रिजेक्शन को फेस कर रहे थे यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। मतलब यहाँ पर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप देखोगे जो यहाँ पर एक फ्लैग का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था इसके अंदर यहाँ पे वापस यहाँ पे हमने एंट्री कर ली है। अभी यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट एड कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम डाउन साइड मोमेंटम कर जाते तो उस केस में यहाँ पे हमें सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर हमें कौन से टारगेट्स लेवल्स देखने को मिल सकती है, क्या पॉसिबल बन सकती है यहाँ पर इसे देख लेना है। अभी सिंपल है, यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंसोलिडेशन पैटर्न है और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको यहाँ पर हमें एक्सटेंड करके ले कर लेना है। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें आज की ट्रेडिंग से जो ब्रेकआउट मिला है, जैसे इसका जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है और जो लोग यहाँ पर न्यू एंट्री पोजिशन बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे जो टारगेट्स निकल के आएगा वो हायर साइड का यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि 1450 लेवल के समथिंग अराउंड देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है। अभी यहाँ पर जिन लोगों के पास पोजीशन है वो लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर कैंडल का स्टॉप लॉस लगाकर, लेकिन जो लोग न्यू एंट्री कर सकते उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ अगर यहाँ पर हमें 1-2 दिन में यहाँ पर पुल बैक देखने को मिल जाता है, आफ्टर पुल बैक यहाँ पर हमें जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है, जो कि हम यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकते हैं। अपटर रिटेस्ट यहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है उस केस में यहाँ पर हम बाय पोजीशन को एंटर करेंगे। अपटर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन जो कि बुलिश हरामी हैमर जो भी रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है प्राइस एक्शन के सेटअप के हिसाब से वहाँ पर हम यहाँ पर बाय पोजीशन को एंटर करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो बनेगा हमारा स्विंग जो भी यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बनेगी उसका लोग यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बाय साइड के लिए हम यहाँ पर हायर साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया 1450 का यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ सकता है। आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पर हम कंटिन्यू कर जाते हैं इसी मोमेंटम के साथ तभी जाके यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम मिलेगी। अभी यहाँ पे सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन मोमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन साइड से काफ़ी अच्छी इंपल्स मोमेंटम, उसके बाद टाइटली यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी अच्छे पैटर्न के साथ कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज के ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे हायर साइड का ब्रेकआउट है। अगर इसी फ्लो में जो आज का जो कैंडल का है इसी फ्लो में इसे क्रॉस कर जाता है कल के ट्रेडिंग सेशंस में तब जाके भी यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि इंटरडे के बेसिस में जो लोग बाय करेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी क्विक मोमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे ही आज का कैंडल का जो हाई इसे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम हम शिफ्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पर हम इसके ऊपर हम क्लोज कर जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट कैंडल जो भी टाइम फ्रेम आपको जो सूटेबल लगे उसके बाद यहाँ पर हम बाय पोजीशन को एंटर करेंगे और यहाँ पे मिनिमम 10 to 15 रुपीज़ की अभी काफ़ी अच्छी मोमेंटम के लिए यहाँ पे इंटरडे ट्रेड भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। जो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा जो भी पर्टिकुलर स्विंग फॉर्मेशन बनेगा और जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहेगी
उसका तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाकर 1:1, 1:2 के लिए हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे पुल बैक हो जाने के बाद आफ्टर रिटेस्ट आप जो हमारा रिवर्स कैंडल फॉर्मेशन बनेगा उसी केस में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमारे लिए रिस्ट्रीवर्ड यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। अभी यहाँ पर मैंने बताया जो कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनेगा जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्गर टाइम फ्रेम में लास्ट कुछ कुछ मंथ से जो यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे इसी पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा करेक्शन भी दिया है। अभी यहाँ पर हमारा ट्रेंड रिवर्स देखने को मिल रहा है जो कि हम हायर साइड के लिए मोमेंटम के लिए यहाँ पे तैयार है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो न्यू हाईज है जो बिगर मोमेंटम तभी जाके हम एक्सपेक्ट करेंगे जब हमारे जो इमीजिएट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 1460 से लेके 6070 इन बिटवीन जो रेंज फॉर्मेशन है इसके ऊपर हम सस्टेन करना स्टार्ट कर जाते हैं उसी केस में यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा जो प्रीवियस स्विंग का जो हाई लेवल थे वहाँ तक भी हम आ सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के हिसाब से। जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उन लोगों के जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा वो स्विंग का हाई यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ट्रेड बन सकता है। तो आने वाले समय में यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगर इसी पैटर्न के अंदर यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे हाई राइज का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हम मोमेंटम को यहाँ पर कैच कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो व्यू तभी जाके निगेटिव बनेगा जब हम वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर हम क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर जाते हैं और उसके नीचे यहाँ पर हम प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन कर जाते हैं उस केस में यहाँ पर हमारा जो बाइंग व्यू रहेगा उसे यहाँ पर हमें अवॉइड या इग्नोर करके ही चलना है। जो भी हमारा एंट्री रहेगा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एंट्री करेंगे कौन सा भी ट्रेड यहाँ पर हम ब्लाइंड एंटर नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।